सरगुजा जिले के भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ के बैनर तले बैंक कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। साथ ही बैंक कर्मचारियों के द्वारा निजीकरण का विरोध करते हुए शहर में बाइक रैली निकालकर प्रदर्शन भी किया गया। बैंक के कर्मचारियों का आरोप है कि केंद्र सरकार द्वारा लास्ट ईयर यूनियन बजट में सरकारी बैंकों का निजीकरण करने का प्रस्ताव लाया गया है। इस प्रस्ताव से गरीब तबके के लोगों को नुकसान पहुंचेगा, साथ ही इस प्रस्ताव के पारित होने से कॉरपोरेट जगत को फायदा मिलेगा। वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले के विरोध में बैंक कर्मचारी भारतीय स्टेट बैंक के सामने 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। इधर कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से RTGS चेकों का संग्रहण और बैंक में किसी प्रकार का भी लेन देन नहीं हो पा रहा है, जिससे कि बैंक में पहुंचने वाले उपभोक्ताओं को निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। साथ ही 2 दिनों तक बैंक में काम बंद होने से लगभग सरगुजा जिले में 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हम लोग केंद्र सरकार के विरुद्ध आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल में, क्योंकि लास्ट ईयर यूनियन बजट में वित्त मंत्रालय के द्वारा प्राइवेट बैंक करने का प्रस्ताव लाया जा रहा था और बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट में कुछ सुधार ला करके हमारे जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनको निजीकरण करने का प्रस्ताव लाया जा रहा था। उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए थे और केंद्र सरकार को हम लोग अपना मैसेज देना चाहते हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का जो निजीकरण है वो किसी भी आधार पर जनहित में नहीं है और इससे कमज़ोर वर्ग, गरीब और आम जनता को नुकसान ही पहुँचेगा और कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुँचेगा। अभी तो हम लोग 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पे हैं, 16 तारीख आज और कल 17 तारीख का। हाँ, सरगुजा जिला को देखा जाए तो लगभग 2,000 करोड़ का आज व्यापार प्रभावित हो रहा है। 2 दिनों में लगभग 4 से 5 हज़ार करोड़ का व्यवसाय प्रभावित होगा। बैंक आज बंद है और किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं हो रहा है, RTGS नहीं हो रहा है, चेकों का संग्रहण नहीं हो रहा है।